विधान से प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है और 5 साल के बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम विराजे हैं और दर्शन अब यहाँ पे तमाम राम भक्तों को NDTV के माध्यम से आप कर सकते हैं। और फिर आज दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब अगली प्रक्रिया को पूरी करते हुए, आपको बता दें कि इस प्रतिष्ठा को पूरी करने के लिए PM मोदी के द्वारा 11 दिनों का की कठोर तपस्या की गई थी, जिसमें केवल वो सिर्फ नारियल पानी का सेवन कर रहे थे और उनकी शयन की व्यवस्था जमीन पर रहती थी। इस कठोर तपस्या के बाद आज ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब देखिए प्रभु श्री राम की परिक्रमा करते हुए, ये सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। इस पल का सदियों से इंतजार था, लंबे वर्ष से इंतजार था, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई और एक लंबा संघर्ष किया गया है। अब देखिए, क्योंकि गर्भगृह में उस वक्त यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, RSS प्रमुख मोहन भागवत और साधु संतों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए यहाँ पे साष्टांग प्रणाम करते हुए, ये तस्वीरें आप दूसरी बार देख रहे होंगे। पहली दफा जब राम लला के मंदिर की नींव रखी गई थी उस वक्त भी कुछ ऐसी तस्वीर, ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था। और आज देखिए यहाँ पे पूरी प्रक्रिया होने के बाद अब यहाँ पे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने आराध्य को। तो आज का ये दृश्य, मनोहारी दृश्य देखते ही बनता है। अयोध्या वासी झूम रहे हैं, देश राममय है, अयोध्या से निकली राम नाम की गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रहे हैं और धरती धरती ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे स्वर्ग लोग में भी देवी देवता नृत्य कर रहे होंगे, पर्वत पर शंकर झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे, थिरक रहे होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव शंकर और प्रभु श्री राम के बीच जो संबंध है, एक सखा का संबंध है, एक मित्र का है, दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पे देखिए खास तौर पर काशी से, क्योंकि काशी भोले बाबा की नगरी, वहाँ से खास तौर पर विद्वान पहुँचे हैं, पंडित पहुँचे हैं, उन्हीं के द्वारा ये तिथि निकाली गई थी, अभिजीत मुहूर्त। और अब वो तमाम प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद देखिए खुशी कितनी ज़्यादा है, चेहरे पर सुकून साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे तमाम साधु संतों को नमन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज का दिन बेहद खास इतिहास के सुनहरे पन्ने में दर्ज हुआ है। अयोध्या सप्तपुरियों में सबसे खास, और इस आज के इस समारोह के बाद जो भूतो न भविष्यति, कुछ इस तरीके का ये आयोजन, जिसमें देखिए तमाम VVIPs को बुलाया गया, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी, पूरी अयोध्या की हर गली चौक चौराहे को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर एक तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, राममय अयोध्या। और आज एक बार फिर दिवाली मनाई जा रही है, दीपोत्सव हो रहा है, हर गली को, हर आंगन को, हर प्रांगण को सजाया गया है। और यहाँ पे देखिए साधु संतों की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं है, उनका मानो जीवन सफल हो गया है। भीतर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी हो रही थी,
हालांकि अब हो चुकी है पूरी और बाहर देखिए साधु संत किस तरीके से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं, आराधना में साधना में लीन है। और यहाँ पे देखिए तमाम वो साधु संत जिन्होंने पूरा अपना जीवन ही अपने आराध्य की स्तुति करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए, इस मनोकामना में वो लगे रहे, उनका पूरा जीवन इसी संघर्ष में लगा रहा कि कब रामलला अपने महल में विराजमान होंगे। अभी वो उनकी ये प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे एक खास भेंट भी साधु संतों के द्वारा दी जा रही है देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्हीं के ही कार्यकाल में ये सपना साकार हुआ है साधु संतों का।